हेलो एवरीवन मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूँ आप सभी का आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि जे को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है जो कि लाखों छात्रों को राहत देगी इस वीडियो में हम लोग पूरी जानकारी देने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे कि झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा अर्थात जे के बारे में क्या न्यूज़ सामने आई हुई है तो चलिए सी के तर्ज पर जो सी टेट के तर्ज पर जो जे टेट की परीक्षा की बात की जा रही है वो क्या है पूरी जानकारी आपको इसमें मिल जाएगी उससे पहले आगे बढ़ें आपको बता दूं अगर आप जे टेट दो और 2016 के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को परचेज़ करना चाहते हो यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लो योर मिथुन सिंह एट द रेट जी मेल डॉट कॉम पर मेल कर सकते हो आप मुझे इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी एट द रेट आई मिथुन सिंह यहाँ से आपको मेरी ई मेल दिख रही होगी और इंस्टा आई भी दिख रही होगी चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ से देखो आप सी में एक सवालों को करने के लिए 150 मिनट का वक्त मिलता है अगर आप थोड़ी सी जो है आसान गणित का भी इस्तेमाल करोगे तो आपको पता चलेगा कि एक क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको एक मिनट का वक्त मिलता है कहाँ पर सी टैट की बात हो रही है यहाँ पे। किसकी बात हो रही है सी टैट की लेकिन झारखंड टैट में देखिए क्या बातें की गई है कि ढाई प्रश्न के लिए एक मिनट का वक्त आपको जो है सौ पचास सौ मिनट का ही वक्त आपको मिल रहा है तो कुल जमा बात यहाँ यह है कि 70 क्वेश्चन एक्स्ट्रा हो रहे हैं और इसके लिए कोई टाइम की जो है अलग से मियाद नहीं दी गई है तो ऐसे में देखिए झारखंड में जे कराने का जो जिम्मा है वो है जैक बोर्ड यानी कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल जहाँ से आप लोगों ने मैट्रिक और इंटर किया होगा अब इन्होंने मार्क मार्गदर्शन मांगा है एक्चुअली ये सरकार से पूछ रहे हैं कि क्या किया जाए अब देखिए क्या क्या बातें कही गई है इन बिंदुओं पर पेज फंस रहा है विज्ञान विषय का शिक्षक बनने के लिए गणित और भाषा का शिक्षक बनने के लिए अंग्रेजी को किया गया है अनिवार्य देखिए यहाँ पे मामला फंसेगा बहुत सारे लोग जो है मैट्रिक में है वहाँ पे अंग्रेजी विषय की अनिवार्यता नहीं थी तो उन्होंने बिना अंग्रेजी के ही मैट्रिकुलेशन पास कर लिया है उनके लिए प्रॉब्लम है दूसरा देखो कक्षा एक से पाँच में मैट्रिक में अंग्रेजी में पास होना अनिवार्य है जबकि यहाँ मैट्रिक में अंग्रेज़ी में पास होना अनिवार्य नहीं है तो ये दो मामले हैं जिसपे जो है भाषा और इंग्लिश वगैरह पे जो है समस्या आएगी अब डिटेल्स में देख लेते हैं राज्य में छः वर्षों से शिक्षक पात्रता परीक्षा नहीं हुई है अभ्यर्थी परीक्षा लेने की मांग कर रहे हैं शिक्षा के अधिकार नियम के अतः के तहत जो है प्रतिवर्ष शिक्षक पात्रता परीक्षा लेने का प्रावधान है बिल्कुल सही बात है राज्य में 2011 से शिक्षा का अधिकार नियम लागू है जबकि अभी तक 2012 जैसा मैंने आपको पहले भी बताया 2012 और 2016 में जेटेट की परीक्षा ली गई है अब देखिए जितने लोग भी जेटेट 16 के कैंडिडेट हैं वो भी वीडियो को देख रहे हैं तो आप वहाँ यहाँ से वापस चले जाइए मैं जो नए कैंडिडेट हैं ना उनसे जो है निवेदन करना चाहता हूँ जो जे 2023 कराने के उत्सुक हैं वो नीचे कमेंट सेक्शन में जे 2023 लिखें या फिर जो चाहते हैं कि सी की वैलिडिटी मिल जाए तो वैलिडिटी सी आप लिख देंगे चलिए आगे बढ़ते हैं और क्या इन्फॉर्मेशन है यहाँ से देख लेते हैं जैक को प्रस्ताव भेजा गया था झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने नियमावली के कुछ बिंदुओं पर विभाग से मार्गदर्शन मांगा यानी कि जैक बोर्ड ने कहा कि भैया कुछ प्रॉब्लम है इसको सॉर्ट आउट कर लीजिए समय का तो प्रॉब्लम है ही है ही अब आगे देखिए झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा विभाग से मार्गदर्शन मांगा गया है वहीं केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा में डेढ़ क्वेश्चन के लिए डेढ़ मिनट का वक्त दिया जाता है लेकिन झारखंड में जेटेड के लिए जो है ढाई सौ प्रश्न जो है एक सौ अस्सी मिनट में सॉल्व करने होंगे इसके लिए जो है अब हेमंत सोरेन को चाहिए कि प्रश्नों की संख्या कम की जाए या फिर ढाई सौ क्वेश्चन ही आप रखिए अच्छी बात है लंबी सिलेबस होनी चाहिए लेकिन ढाई सौ सिलेबस के लिए ढाई सौ मिनट भी तो आपको देने होंगे ना ढाई सौ मिनट का सिलेबस के लिए जो है ढाई सौ मिनट का भी समय दिया जाना चाहिए एक प्रश्न के लिए एक मिनट का वक्त देना ही चाहिए आपको और जो लोग लगे हुए हैं आप लोगों को मैं बता दूँ हाई कोर्ट में जो मामला फंसा हुआ है वहाँ पर जो है निर्णय को सुरक्षित रख लिया गया है कि ये जो शिक्षक भर्ती आई है इस पर स्टे लगना चाहिए अथवा नहीं बाबा बैद्यनाथ से कृपा कीजिए आप अल्लाह में बिलीव करते हैं गॉड में किसी में भी आप बिलीव करते हो प्लीज़ उन सभी से प्रार्थना करिए कि हाईकोर्ट के द्वारा जो है जेटेट लेने का निर्णय लिया जाए उसके बाद ही बहाली हो ऐसी मेरी मनोकामना है आपकी क्या कामना है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ थैंक यू सो मच